उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम कचनौदा, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 400 करोड़ की लागत से सजनाम नदी पर भव्य बांध का निर्माण कराया गया, जिसमें आज की स्थिति में एक बूंद पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे बीच मौजूद एक किसान से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जाहर सिंह। कौन से गांव के रहने वाले? अच्छा, ये बताइए, जब बांध बना तो इससे क्या फायदा हुआ आपको? फायदा क्या भाई साहब, धरती चली गई। कितने एकड़ चली गई? 3-4 एकड़। 4 एकड़ हाँ। चली गई। क्या करते थे 4 एकड़ में? अब बोती। क्या बोते थे? गेहूँ बोते। अब क्या करते हो? आपका रह गए। इस मौसम में सूखे से ग्रस्त ग्राम पंचायत कचनौदा में लोगों को पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में खुशहाली और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सिंचाई विभाग और नेरिटा सर्विसेज की साझी मदद से जल संवर्धन के क्षेत्र में अनूठा प्रयास किया गया। नवीन तकनीक से निर्मित बुंगरू के विषय में लाभान्वित परिवारों से बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? भांग सिंह। क्या काम करते हैं आप? वो ठेकेदारी भी करते, अपनी खेती भी देखते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या करते हैं? बस और बाकी अपने काम धंधे देखते हैं, खेती देखते हैं, बाकी राजनीति भी करते हैं। ये जो आपके यहाँ बुंगरू का कार्यक्रम हुआ था, इसमें सिंचाई विभाग ने भी अपनी भूमिका निभाई थी जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो यह सर कि जैसे कि विभाग ने घुंघरू का काम किया है तो वो बढ़िया प्रोजेक्ट हुआ है, सफल भी है। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उसका पानी यूज किया जाए, पब्लिक के बीच में जाए या किसी अन्य फैक्ट्री को भी बेच दिया जाए, तो उससे फायदा सरकार को भी होगा, किसान को भी होगा। इतनी क्षमता है उसके अंदर के अपन उस पानी को बेच सकते हैं और कृषि के लिए कुछ काम कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे कैसे आपने नापी उसकी क्षमता? हमने उसमें सबमर्सिबल डाला, उसको करीब 50-60 घंटे बराबर चलाया, और जिस बोर में 2 घंटे मोटर चल जाए तो उसकी क्षमता फिर 24 घंटा बराबर रहती है। अच्छा, मतलब आपने 50 घंटे जब उसको चलाया तो वो बीच में कहीं रुका नहीं? कहीं नहीं रुका। अभी कितने फिट पे पानी है उसमें? अभी उसमें होगा 20-25 फिट पे पानी है। अच्छा, बाकी क्षेत्र में कितने फिट पे पानी होगा? बाकी क्षेत्र में कहीं 80 फिट पे चला गया, कहीं 50 फिट पे चला गया, कहीं कहीं तो 100 फिट पे चला गया। जैसे जिले में आपका ये धौरी सागर है तो 100 फिट पे गया। मतलब अगर ये कार्यक्रम किया जाता है, बुंगरू अगर लगाया जाता है क्षेत्र में, तो आप ये मानते हैं कि इससे जनमानस को फायदा होगा? बिल्कुल होगा फायदा, और उसकी आय में भी इजाफा होगा? आय में इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट हर जिले में, हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे बीच मौजूद हैं श्री कन्हैया लाल शर्मा, जो बजाज फाउंडेशन में तकनीकी प्रबंधक हैं और ललितपुर जिले में जल संवर्धन पर कार्य कर रहे हैं। मैं कन्हैया लाल शर्मा और बजाज फाउंडेशन में प्रोग्राम मैनेजर के पद पे मैं काम कर रहा हूँ, और तकरीबन मैं पिछले 1 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने ये अपना जो बुंगरू है ये वाला स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने यहाँ पे एक बार विजिट करा, देखा, और बड़ा अच्छा लगा कि ये इतना बढ़िया कि जो एरिया है, जो वाटर लॉगिंग एरिया है, जहाँ पे पानी है बहुत सारा भरा रहता है, वहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर डाला और वहाँ का पूरा पानी एक दिन के अंदर ही पूरा पानी ज़मीन के अंदर चला गया और स्टोर हो गया, और आज जब भी हमें ज़रूरत है तो उस पानी को हम निकाल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, और इस एरिया के लिए तो इतनी जीवनदायी व्यवस्था है कि अगर इसको बड़े से बड़ी मात्रा में अगर लोगों के बीच में मोटिवेट करा जाए, लोगों को समझाया जाए और इस स्कीम को पहुंचाया जाए, तो अगर एक व्यक्ति को अगर हम एक स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं तो वो अपने पीने का और कम से कम 5 एकड़ ज़मीन के लिए सिंचाई का साधन पूरे साल के लिए व्यवस्थित कर सकता है। ग्रामीणों से बातचीत से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह पद्धति सफल है और भविष्य में सूखाग्रस्त क्षेत्र या पानी की कमी वाले क्षेत्र में रोजगार और खेती के नए आयाम प्रदान कर सकती है।